हाय गाइस एंड वेलकम टू ऑटो रिव्यूज़। दोस्तों आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। आज हमारे पास एक और एक नई गाड़ी है जिसका हम लोग रिव्यू करेंगे। सो दिस इज़ द कार, दिस इज़ द 2022 जीप मेरिडियन। ये एक नई 7 सीटर SUV है जो जीप की तरफ से आई है और आज हम आप लोगों को बताएंगे इस कार में क्या क्या फीचर्स दिया गया है। सो बिना समय बर्बाद के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आई एम इटोस्टोर नंगशॉलर और आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज़ का यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले बार के लिए। सो लेट्स गो। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। एंड फ्रंट प्रोफाइल में अगर आप लोग सबसे पहले हेडलैम्प्स की तरफ देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद डेटाइम रनिंग लाइट्स का एक सेटअप मिलता है। और उसके साथ अगर आप लोग बात करेंगे लो बीम एंड हाई बीम के बारे में तो दे आर ऑल्सो LEDs। एंड फ्रंट इंडिकेटर्स जो है वो आपके हेडलैम्प्स के सेक्शन के अंदर ही माउंटेड देखने को मिलेगा। और उसके साथ अगर आप लोग हेडलैम्प्स के विजिबिलिटी की बात करेंगे तो ये हेडलैम्प्स आपको रात में एक अच्छा खासा विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर श्योर। And now let's talk about the next aspect in the front profile of this car। And अगर आप लोग थोड़ा सा अंडरनेस सेक्शन को देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को फॉग लाइट्स देखने को मिलता है। और अगर आप लोग फॉग लाइट्स की बात करोगे तो इस कार में आपको LED फॉग लाइट्स ऑफर किया जाता है। एंड उसके साथ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट ग्रिल ऑफ दिस कार। एंड अगर आप लोग इस कार का फ्रंट ग्रिल देखते हो तो इस कार में आपको हर एक जीप की तरह एज यूजुअल एक 7 स्लॉट फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाता है। एंड इस ग्रिल में काफ़ी सारी जगहों पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट यूज़ किया गया, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। और उसके थोड़ा सा अगर आप लोग ऊपर बोनेट एरिया के सेंटर पे देखते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक क्रोम डिज़ाइन में जीप की बैजिंग देखने को मिल जाएगा। सो गाइज जब आप लोग इस कार के फ्रंट ग्रिल के थोड़ा सा अंडरनेस सेक्शन को देखते हो तो यहाँ पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। तो इस कार में आपको काफ़ी सारी जगहों पे क्रोम एलिमेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ इस कार के फ्रंट पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलता है। एंड इस कार के फ्रंट पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। तो जब आप लोग जीप मेरिडियन को साइड से देखेंगे तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि साइड से भी इस कार को एक काफ़ी ज़्यादा रगेड एंड एक ब्यूटीफुल सा लुक देखने को मिलता है फॉर श्योर। उसके साथ अगर आप लोग बात करेंगे इस कार के डायमेंशंस के बारे में, इस कार में आपको 4769 mm का लेंथ, 1859 mm का विड्थ, 1698 mm का हाइट, उसके साथ आपको 2782 mm का व्हील बेस एंड 1890 kg का कर्ब वेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टायर्स। एंड अगर आप लोग इस कार के फ्रंट टायर्स की तरफ देखते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ब्रिजस्टोन के टायर्स देखने को मिल जाएगा। उसके साथ बात करोगे टायर साइज के बारे में तो यहाँ पे 245/60 18 inch रेडियल टायर्स विद अलॉय व्हील्स के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेगा। एंड साथ में अगर आप लोग बात करते हो फ्रंट सस्पेंशन के बारे में तो फ्रंट पे इसको मैकप्रेशन स्टड का सस्पेंशन देखने को मिलता है। उसके साथ अगर आप लोग इस कार के रियर टायर की तरफ देखते हो तो इस कार के रियर पे भी आपको ब्रिजस्टोन के टायर्स देखने को मिल जाता है। उसके साथ टायर साइज की अगर आप लोग बात करोगे तो रियर पे भी आपको फ्रंट की तरह 245/60 18 inch रेडियल टायर्स विद अलॉय व्हील्स के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। रियर ब्रेक की बात करोगे तो रियर पे भी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर किया जाता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर सस्पेंशन ऑफ दिस कार, सो इस कार के रियर पे आपको मल्टीलिंक विद स्ट्रट सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। सो गाइस अगर आप लोग इस कार के नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करोगे जो साइड प्रोफाइल में है तो अगर आप लोग डोर हैंडल्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिलता है विद प्रॉक्सिमिटी सेंसर। एंड उसके साथ अगर आप लोग इस कार के ORVMs की बात करेंगे तो इस कार में आपको ब्लैक कलर के ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स के साथ यहाँ पे माउंटेड देखने को मिल जाएगा। एंड ORVMs पे भी आपको थोड़ा सा क्रोम देखने को मिलता है। सो दोस्तों अगर आप लोग इस कार के थोड़ा सा ऊपर की साइड को देखते हो तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस कार के ऊपर आपको रूफ रेल्स अवेलेबल कराया गया है। सो गाइस नाउ लेट्स सी द रियर प्रोफाइल ऑफ दिस कार। रियर से जब आप लोग इस कार को देखते हो
तो रियर से भी काफ़ी ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एंड एक गॉर्जियस सा लुक देखने को मिलता है फॉर श्योर। एंड चलिए अब देख लेते हैं रियर पे आपको क्या क्या एलिमेंट देखने को मिलता है, लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग रियर प्रोफाइल में सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वो है कार का टेल लैम्प्स। तो जब आप लोग इस कार के टेल लैम्प्स को देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक LED टेल लैम्प्स ऑफर किया गया है, आप लोग देख सकते हो। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप लोग बात करते हो रियर टर्न इंडिकेटर्स के बारे में, तो इस कार में जो रियर टर्न इंडिकेटर्स मिलता है वो आपको टेल लैम्प्स के एंटायर सेक्शन के अंदर ही माउंटेड देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्रोम स्ट्रिप देखने को मिलता है, जिसके अगर आप लोग सेंटर पे देखते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक जीप की बैजिंग देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप लोग इस कार के टेल लैम्प्स के थोड़ा सा ऊपर की साइड को देखते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक रियर डिफॉगर एक रियर वाइपर के साथ आपको दिख जाएगा। एंड उसके जब आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक स्पॉयलर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस वाले पार्ट को देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्रोम डिज़ाइन में एक 4x4 की बैजिंग देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ ही साथ जब आप लोग थोड़ा सा उसके अंडरनेस सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों साइड पे दो रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट यूज़ किया गया, आप लोग देख सकते हो। एंड साथ में इस कार के रियर पे आपको रियर पार्किंग सेंसर एंड द रियर पार्किंग कैमरा, ये दोनों भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, नाउ लेट्स ओपन द बूट एंड देखेंगे कि इस कार में आपको कितनी ज़्यादा बूट स्पेस ऑफर किया गया है। एंड उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कार में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, ये आप देख सकते हो इस कार का बूट स्पेस, क्योंकि ये एक 7 सीटर SUV है, इस वजह से आपका बूट स्पेस थोड़ा सा कम यहाँ पे देखने को मिलता है। 7 सीटर SUV में तो आपको बूट स्पेस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 170 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड अगर आप नंबर ऑफ पर्सन कम हो और आपके पास ज़्यादा लगेज हो तो आप इसके थर्ड रो सीट्स को पूरा फ्लैट फोल्ड करके इसका बूट स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप लोग इस कार के थर्ड रो सीट्स को पूरा फ्लैट फोल्ड कर दोगे तो आपका बूट स्पेस इंक्रीज़ होकर बढ़ जाएगा 824 लीटर्स के आसपास। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस कार में आपको एक शॉपिंग हुक देखने को मिलता है। एंड उसके साथ यहाँ पे एक बटन आपको दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस करके आप इस कार के टेल गेट को बंद कर सकते हो। सो दोस्तों, अब हम चलेंगे इस कार के अंदर, लेकिन अंदर जाने से पहले हम देखेंगे इस कार के फ्रंट डोर पे आपको क्या क्या एलिमेंट मिलता है, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे इस कार के इंटीरियर्स पे कितनी ज़्यादा स्पेस एंड फीचर्स ऑफर किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक मेटालिक फिनिश के साथ एक इनसाइड डोर हैंडल देखने को मिलता है। उसके जब आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट साइड को देखेंगे तो वहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स का फंक्शन देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ ही साथ जब आप लोग थोड़ा सा अंडरनेथ सेक्शन को देखते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ कंट्रोल देखने को मिलता है, जैसे कि पावर यूनिट्स के कंट्रोल, उसके साथ ORVMs के कंट्रोल। एंड एट द सेम टाइम आपको सेंट्रल लॉकिंग का जो स्विच मिलता है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। एंड उसके थोड़ा सा राइट साइड पे आपको थोड़ी और स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है, जहाँ पे बेसिकली आप कॉइन्स वगैरह या दूसरा कुछ छोटा मोटा सामान रख के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड उसके साथ ही साथ जब आप लोग थोड़ा सा अंडरनेथ सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड पे एक स्पीकर देखने को मिलेगा। एंड राइट साइड पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलता है, जहाँ पे आप एक एक लीटर की बॉटल आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी आपको एक जीप की बैजिंग देखने को मिल जाता है। सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीट्स। एंड जब आप लोग इस कार के सीट्स की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा, जिसे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप लोग बात करोगे सीट्स अपोल्स्ट्री के बारे में तो इस कार में आपको लेदर अपोल्स्ट्री के सीट्स देखने को मिल जाता है। और उसके साथ अगर आप लोग इस सीट्स के एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इस कार के फ्रंट पे जो दो सीट्स आते हैं ड्राइवर एंड को पैसेंजर, ये दोनों सीट्स ही आपको 10-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ देखने को मिलता है। एंड उसके बाद जब आप लोग इस कार के इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली लेफ्ट साइड पे आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिलेगा एंड राइट साइड पे आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएगा।
सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेयरिंग व्हील ऑफ दिस कार। तो जब आप लोग इस कार के स्टेयरिंग व्हील की तरफ आएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक लेदर ऐप 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ देखने को मिल जाएगा। एंड उसके साथ अगर आप लोग स्टेयरिंग व्हील के सेंटर पे देखते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक जीप की बैजिंग देखने को मिलता है। एंड साथ में अगर आप लोग इस स्टेयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की बात करोगे तो इस स्टेयरिंग व्हील पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट ही देखने को मिल जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल्स। एंड अगर आप लोग इस कार के कंट्रोल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड कंट्रोल्स की तरफ देखते हैं। लेफ्ट साइड कंट्रोल्स की तरफ जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स देखने को मिलता है ये बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस करने का कंट्रोल है। उसके साथ आपको कॉल रिसीव एंड कॉल एंड का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ठीक उसके दूसरे ही तरफ अगर आप लोग राइट साइड कंट्रोल्स की तरफ देखते हो तो राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। सो गाइस जब आप लोग स्टेयरिंग व्हील के थोड़ा सा आगे देखते हो तो यहाँ पे भी आपको दो कंट्रोल देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको इंडिकेटर्स का कंट्रोल देखने को मिलता है, राइट साइड पे आपको वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाता है। सो गाइस नाउ लेट्स टर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ दिस कार। तो जब आप लोग इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक 10.25 इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, डिजिटल टैकोमीटर मिलेगा, उसके साथ दूसरा ऑप्शन जैसे 2 ट्रिप मीटर, 1 ऑडोमीटर एज ए स्टैंडर्ड फीचर देखने को मिलता है। साथ में आपको एवरेज फ्यूल कंज्यूमशन देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पे एवरेज स्पीड देखने को मिलेगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी है, क्लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है, बेसिकली डिजिटल क्लॉक का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको गियर इंडिकेटर एंड शिफ्ट इंडिकेटर ये दोनों भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। सो गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ दिस कार। तो जब आप लोग इस कार के टचस्क्रीन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक 10.18 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम देखने को मिलता है विच विल सपोर्ट एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, FM, ऑक्सिलरी, USB एंड ऑल्सो इस कार में आपको 6 स्पीकर भी देखने को मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर कैमरा। तो अब हम लोग देखेंगे इस कार का रियर कैमरा स्क्रीन। तो अगर आप लोग इस कार के रियर कैमरा के स्क्रीन की बात करोगे तो जो रियर कैमरा है उसका स्क्रीन आपके टच स्क्रीन सिस्टम पे शो हो जाएगा। एंड ऑल्सो इस कार में आपको एक 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन अवेलेबल कराया गया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप लोग इस कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के थोड़ा सा अंडरनेथ को देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फिजिकल बटन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से अगर आप लोग शुरू करते हो तो यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल का फंक्शन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। साथ में सेंटर पर आपको हैजर लाइट का स्विच यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में पार्किंग सेंसर को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे उसके लिए बटन दिया हुआ है। एंड उसके साथ आप पैसेंजर एयरबैग को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए भी आपको यहीं पे एक स्विच देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों उसके बाद अगर आप लोग बात करते हो इस कार के एयर कंडीशन सिस्टम के बारे में तो इस कार में आपको एक ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है। बेसिकली जो क्लाइमेट कंट्रोल का सारा फंक्शन है वो आपको सेंटर पे देखने को मिलता है। एंड ये जो डायल आप लोग देख रहे हो इससे आप ब्लोअर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों साइड पे दो अलग अलग बेसिकली टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। ड्राइवर साइड अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है एंड को पैसेंजर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरे और बटन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन अगर ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से उसको एक बटन दिया हुआ है। एंड उसके साथ लेफ्ट साइड पे आपको एक म्यूट का बटन भी देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ म्यूट के बटन के ऊपर जो डायल मिलता है उससे आप वॉल्यूम का अप एंड डाउन कर सकते हो। एंड अगर आप लोग इस कार के गियर नॉब की तरफ देखते हो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार में आपको एक लेदर ऐप गियर नॉब देखने को मिलता है। एंड बेसिकली यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिया हुआ है, सबसे ऊपर आपको मिलता है पार्किंग, उसके नीचे आता है रिवर्स, उसके नीचे आता है न्यूट्रल एंड उसके नीचे आता है ड्राइव मोड। एंड साथ में आपको एक मैनुअल मोड पर दिया हुआ है जिसमें जितना आप प्लस करोगे आपका गियर इंक्रीज होगा एंड जितना आप माइनस पे जाओगे आपका गियर डिक्रीज हो जाएगा। एंड उसके साथ अगर आप लोग गियर लीवर के थोड़ा सा लेफ्ट साइड को देखते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का बटन देखने को मिलता है। एंड उसके नीचे बेसिकली आप इस गाड़ी में जो मोड्स आते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोग 4x2 लेते हो तो उसमें आपको ये मोड्स देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको 4x4 में देखने को मिलता है।
एंड अगर आप लोग इस कार के गियर लीवर के थोड़ा सा आगे की साइड को देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट पोर्ट का चार्जर देखने को मिलता है एंड साथ में यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है तो यहाँ पर वो चार्ज नहीं होगा। एंड उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक आर्मरेस्ट देखने को मिलता है एंड आर्मरेस्ट के अंदर कुछ स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिलेगा जहाँ पे बेसिकली आप अपने मोबाइल वॉलेट या दूसरा कुछ सामान बैठा के ले जा सकते हो। ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट के जब आप लोग थोड़ा सा आगे की साइड को देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को ट्विन कप होल्डर देखने को मिलेगा एंड उसके साथ आपको मोबाइल रखने के लिए एक स्पेसिफिक स्टोरेज स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है एंड उसके साथ अगर आप लोग कप होल्डर्स के बीच में देखते हो तो वहाँ पे बेसिकली आप अपना कार की रख सकते हो। और कप होल्डर्स के जब आप लोग थोड़ा सा आगे की साइड को देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलता है। बेसिकली सबसे लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले आता है होल्ड, उसके बाद आता है फोर व्हील ड्राइव लो, उसके बाद आता है हिल डिसेंट कंट्रोल एंड उसके बाद आता है फोर व्हील ड्राइव लॉक। ये चारों कंट्रोल्स आपको यहीं पर दिख जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट। जब आप लोग इस कार के ऊपर में यहाँ पे सेंटर पे देखते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सनरूफ का कंट्रोल देखने को मिलता है, उसके साथ जब आप लोग सेंटर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी कंट्रोल्स देखने को मिलेगा ये सारे आपको लाइट्स के कंट्रोल है। एंड एट द सेम टाइम इस कार के फ्रंट पे आपको दो कैबिन लैम्प देखने को मिलता है एंड एकदम एंड में जो आपको बटन देखने को मिलता है वो आपका इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपन करने के लिए वो बटन दिया हुआ है। एंड उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा आगे की साइड को देखते हो तो यहाँ पे IRBM देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोग बात करते हो इस कार के IRBM यानी कि इनसाइड रियर व्यू मिरर के बारे में तो इस कार में आपको एक ऑटो डिमिंग इनसाइड रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाता है। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप लोग बात करते हो नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में तो यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि इस कार को एक सनरूफ भी देखने को मिलता है। एंड उसके साथ अगर आप लोग बात करते हो सनरूफ के बारे में तो इस कार में आपको एक पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलता है। एंड उसके बाद अगर आप लोग इस कार के ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो जब आप लोग इस कार के ग्लव बॉक्स को ओपन करेंगे और उसके अंदर के स्टोरेज स्पेस की बात करोगे तो यहाँ पे ग्लव बॉक्स के अंदर आपको एक अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस ऑफर किया गया है फॉर श्योर। उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अब हम चलेंगे इस कार के सेकेंड रो सीट्स पे और देखेंगे सेकेंड रो पैसेंजर्स के लिए कितनी ज़्यादा स्पेस ऑफर करती है ये कार। लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते इस कार के रियर डोर पे आपको क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिलता है, लेट्स गो। सो अगर आप लोग इस कार के रियर डोर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन एक मेटालिक फिनिश के साथ एक इनसाइड डोर हैंडल देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सा पियानो ब्लैक फिनिश भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एंड उसके जब आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिलता है एंड उसके साइड पे आपको डोर पॉकेट्स देखने को मिलेगा जहाँ पे बेसिकली आप कॉइन्स वगैरह या छोटा मोटा कुछ रख के ले जा सकते हो। एंड उसके जब आप लोग थोड़ा सा अंडरनीथ को देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को अगेन एक स्पीकर देखने को मिलता है लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलेगा जहाँ पे आप एक एक लीटर की बॉटल आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड रो सीट्स। तो अगर आप लोग इस कार के सेकेंड रो सीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बेज कलर का सीट्स देखने को मिलता है सबसे पहले। एंड उसके साथ अगर आप लोग बात करते हो सीट्स अपहोल्स्ट्री के बारे में तो इस कार के मेटल रो पे भी आपको लेदर अपहोल्स्ट्री सीट्स देखने को मिलता है, जिसके अगर आप लोग कंफर्टनेस की बात करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी है, मतलब आपको लॉन्ग ट्रिप्स पर आसानी से थकावट नहीं आएगी। एंड उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा जिससे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। एंड साथ में जब आप लोग इस सीट्स के सेंटर पे देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स के साथ देखने को मिलता है। तो जब आप लोग इस कार को लेके कहीं भी लॉन्ग ट्रिप्स पे जाओगे तो आप अपने साथ इजीली कॉफ़ी या जूस कैरी कर सकते हो विदाउट एनी इशू। एंड बात करेंगे अब हम लोग इस कार के सेकेंड रो सीट्स के नीरूम के बारे में। तो जब आप लोग इस कार के सेकेंड रो सीट्स के नीरूम की बात करते हो तो यहाँ पे आपको एक सफिशियंट नीरूम स्पेस देखने को मिलता है। एंड आई एम ऑलमोस्ट 5'7" और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है।
लेकिन अगर 6 फीट का आदमी भी बैठेगा तो उसको भी शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड उसके साथ यहाँ पे सीट्स पे आपको सीट पॉकेट देखने को मिलता है, जहाँ पे बेसिकली आप अपने मैगजीन्स या बुक्स या पेपर्स रख सकते हो। एंड उसके साथ जब आप लोग इस कार के सेंटर पे देखते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक रियर एसी वेंट्स देखने को मिलता है, बेसिकली ये सेकेंड रो एसी वेंट्स भी आप लोग बोल सकते हो। एंड उसके साथ आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायल दिया हो जिससे आप ब्लोअर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। एंड उसके जब आप लोग थोड़ा सा नीचे की साइड को देखते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। एंड उसके नीचे कुछ स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप अपना मोबाइल बैठा के चार्ज कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इस कार के सबसे आखिरी सीट यानी कि थर्ड रो सीट्स के बारे में। तो थर्ड रो सीट्स जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बेज कलर का सीट्स देखने को मिलता है, उसके साथ दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेगा जिससे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड बात करेंगे अब सीट्स अपोल्स्ट्री के बारे में, तो इस कार के थर्ड रो सीट्स पे भी आपको लेदर अपोल्स्ट्री यूज़ किया गया है। सो अब मैं आ गया हूँ इस कार के थर्ड रो सीट्स पे। एंड जब आप लोग इस कार के थर्ड रो सीट्स के नीरूम की बात करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कम नीरूम स्पेस देखने को मिलता है। आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सफिशिएंट नीरूम स्पेस दिया हुआ है, एम्पल नीरूम स्पेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। एंड यहाँ पे अगर कोई टॉल पैसेंजर यानी 6 फीट या 6 फीट से ज़्यादा कोई पैसेंजर यहाँ पे आके बैठता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ज़रूर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एस्पेक्ट। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे बेसिकली दोनों साइड पे दो बॉटल होल्डर्स देखने को मिलता है, जहाँ पे बेसिकली आप 1 लीटर की बॉटल आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। उसके बाद अगर आप लोग सीलिंग पे देखोगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले दो एसी वेंट्स देखने को मिलता है। एंड एट द सेम टाइम सेंटर पे अगर आप लोग देखते हो तो वहाँ पे आप लोगों को एक कंट्रोलर देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग इस कार के दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हो तो जब आप लोग इस कार के सीलिंग पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों साइड पे दो एसी वेंट्स देखने को मिलता है। एंड उसके साथ सेंटर पे आपको एक कंट्रोलर दिया हुआ है एंड यहाँ से बेसिकली आप ब्लोअर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइस अब हम लोग बात करेंगे इस कार के सबसे मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो है इस कार का इंजन। तो जब आप लोग इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ देखोगे तो इस कार में आपको एक 1956 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर 16 वाल्व्स DOEC डीजल इंजन मिलता है, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो 2 लीटर डुअल मल्टीजेट डीजल। एंड इस इंजन पे आपको 168 bhp का पावर देखने को मिलेगा एंड 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको जीप मेरिडियन कैसा लगा एंड इसका रिलेटेड थ्रू अगर कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड उसके साथ ये वीडियो भी आपको कैसा लगा वो भी आपको आप लोग ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।